हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में एंड ब्लड रिलेशन के लास्ट पार्ट में। अभी तक दोस्तों हम ब्लड रिलेशन के तीन पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। वहाँ पर आपको सबसे पहले ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग की। वहाँ पर रीजनिंग में आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले हमने डायरेक्शंस का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग के दो टॉपिक्स कंप्लीट, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन में हमने फैमिली ट्री कंसेप्ट सीखा था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अगर किसी को भी इस टाइप की कंफ्यूजन होती है, आखिर ये मैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू, नाइस, इसी के साथ साथ पैटर्नल अंकल, मैटर्नल अंकल, ये सब चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो आप हमारा ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट देखो। वहाँ पर मैंने पूरा फैमिली ट्री हमने कंसेप्ट सीखा है। सेकंड वीडियो में हमने इसका टाइप फर्स्ट कवर किया था, थर्ड वीडियो में हमने टाइप सेकंड के बेसिस पर क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज के पार्ट में आपको मिक्स लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस हम खुद करेंगे और 1 क्वेश्चन हम जैसे हम होमवर्क के लिए करते हैं, आप होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन खुद के लिए ले लीजिएगा। चलिए आज के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और कोशिश कीजिए पहले आप ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन देखिए कि एम इज द फादर ऑफ एन। एम क्या है? एन का फादर है। हु इज द सन ऑफ वी, जो क्या है? वी का सन है। ध्यान से देखिए, इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम टू पी, अगर हमें एम और पी का रिलेशन फाइंड करना है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें नेसेसरी होगी, ठीक। इस जो लिखा गया इसको पूरा हम सॉल्व करते हैं। एम इज द फादर ऑफ एन, यानी कि एम क्या है? एम फादर है एन का, समझ आया? एम फादर है एन का। हु इज द सन ऑफ वी, ये एन क्या है? सन है किसका? वी का भी सन है। इसका मतलब ये हुआ कि एम का भी सन एन है, वी का भी सन एन एन है, तो मतलब एम हस्बैंड है और वी वाइफ है, ठीक, क्योंकि एम फादर है। इसमें किसी टाइप की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम टू पी, अगर मुझे एम और पी का रिलेशन फाइंड करना है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरी होगी। पहली स्टेटमेंट दी है पी इज द ब्रदर ऑफ वी, कि पी वी का भाई, पी वी का भाई है। अगर पी को मैं वी का भाई रख लूँ तो क्या एम और पी का रिलेशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। एम के लिए पी क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। समझ आया क्यों ब्रदर इन लॉ? इसके वाइफ का भाई, सगा भाई नहीं, इसके वाइफ का भाई, ठीक। तो क्या होता है? एक ब्रदर इन लॉ होता है। जिस तरह से अगर कोई ग्रैंडफादर ही है या फिर कोई फादर ही है, उसका अगर कोई बेटा है और उसकी वाइफ, यानी कि ये क्या लगती है? डॉटर इन लॉ, क्योंकि खुद की डॉटर नहीं होती है, ये वाइफ की, ये उसके बेटे की वाइफ है, तो ये डॉटर ही होती है, लेकिन डॉटर इन लॉ होती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, जो एक टाइप का रिलेशन ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हुई। सेकंड स्टेटमेंट से चेक करते हैं, द डॉटर ऑफ एन, यानी कि एन की कोई डॉटर है, इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी, वो क्या होगी? वी की ग्रैंड डॉटर। तो इसमें पी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो जब सेकंड स्टेटमेंट में पी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो इसमें हम एम और पी का रिलेशन कैसे फाइंड करें? दैट इज वाई द ओनली ऑप्शन राइट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, पी इज द ब्रदर ऑफ वी पर जब आप ऑप्शन टिक करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी नेसेसरी होगी रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने, पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी परफॉर्म किए थे। पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, एंड पी माइनस क्यू मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट आई इज द नीस ऑफ के, इनमें से कौन सा शो करता है कि आई क्या है? नीस है, यानी कि भतीजी है या भांजी है के की, समझ आया? चलो हम एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहले हम ऑप्शन में फर्स्ट पे चेक चलते हैं। के प्लस वाई, यानी कि के इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो मैंने
के इज द ब्रदर ऑफ वाई, ठीक, वाई प्लस जेड यानी कि वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड, जेड माइनस आई यानी कि जेड इज द सिस्टर ऑफ आई। तो क्या इस रिलेशन के अनुसार आई भतीजी या भांजी हुई के की? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हुई, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, के प्लस वाई, के प्लस वाई मतलब कि के क्या है, वाई का भाई है। वाई स्टार आई यानी कि वाई इज द फादर ऑफ आई, वाई क्या है, आई का फादर, ये मैंने फादर मेल के लिए बॉक्स में रख लिया। आई माइनस जेड यानी कि आई इज द सिस्टर ऑफ जेड, आई क्या है, सिस्टर है किसकी, जेड की। क्या इस स्टेटमेंट के अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि आई भतीजी या भांजी है के की? बिल्कुल सही, आई यहाँ पर भतीजी आई के की यानी कि नीस आई के की, क्यों, के भाई की बेटी है तो ये भतीजी लगती है। ठीक, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपने हमारे पहले वाले पार्ट्स देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से आप कर पा रहे होंगे, इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगा इस बार। इफ एम स्टार एन मीन्स एम इज द डॉटर ऑफ एन, एम प्लस एन, एम परसेंट एन एंड एम माइनस एन के डिफरेंट रिलेशन आपको दिए गए हुए हैं। आपको सबसे पहले ये रिलेशन बनाना पड़ेगा, देन पी परसेंट क्यू प्लस आर माइनस टी स्टार के इंडिकेट्स विच रिलेशन ऑफ पी टू के, पी और के का क्या रिलेशन शो करेगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब हम पहले सबसे पहले ये रिलेशन ड्रॉ करते हैं, पी परसेंट क्यू यानी कि पी क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, Q प्लस R यानी कि Q इज द फादर ऑफ R, Q क्या है, R का फादर, ओके। R माइनस T यानी कि R इज द ब्रदर ऑफ T, R क्या है, ब्रदर है किसका, T का, ठीक। T स्टार K यानी कि T इज द डॉटर ऑफ K, ये T किसकी है, डॉटर के की। अब जब ये दोनों भाई बहन हैं, इनकी के साथ क्या रिलेशन होगा, आखिर ये के भी बेटा बेटी है और क्यू के भी बेटा बेटी है, तो मतलब जब क्यू मेल है के फीमेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आएंगे, इस तरह से ये पूरा रिलेशन फाइंड होगा। अब क्या पूछा जा रहा है, विच रिलेशन ऑफ पी टू के, पी और के का क्या रिलेशन होगा, पी और के का क्या रिलेशन होगा दोस्तों, क्या रिलेशन होगा, पी क्या है, पी क्यों के लिए क्या है, मदर है, ठीक। पी और के का क्या रिलेशन होगा, पी और के का रिलेशन यहां पर आपको नन ऑफ दीज होगा, क्यों, कैसे पूछा जा रहा है, विच रिलेशन ऑफ पी टू के यानी कि पी का के साथ क्या रिलेशन होगा। अब के को अगर आप देखो, के हस्बैंड की मदर, के हस्बैंड की मदर क्या लगती है, मदर तो लगती है, वो भी मदर ही आती है, लेकिन वो मदर इन लॉ होती है, सास जिसको बोलते हैं, ठीक, वो मदर इन लॉ होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो हम नन ऑफ दीज लगाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर डॉटर इन लॉ सोच रहे होंगे दोस्तों, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी होगी, विच रिलेशन ऑफ पी टू के यानी कि पी का के साथ क्या रिलेशन है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि के का पी के साथ क्या रिलेशन है। इस चीज़ में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन मार करके आ जाते हैं। पूछा जा रहा है कि पी का के साथ क्या रिलेशन है, तो पी के लिए क्या लगेंगी, इनकी सास यानी कि मदर इन लॉ, ठीक, और के पी के लिए क्या लगेंगी, के पी के लिए क्या लगेंगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पी के की क्या लगेंगी, तो राइट आंसर इज मदर इन लॉ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज द सन ऑफ जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हुई हैं, आपको सबसे पहले ऊपर रिलेशन बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले देखिए, ए इज द सन ऑफ सी, ए क्या है, किसका सन है, ए सन है सी का,
चैप्टर को मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूँ। ए इज दी सन ऑफ सी, ए है सन किसका, सी का। सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी और क्यू ये दोनों की दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने मेंशन किया है, दोनों फीमेल है इसलिए मैंने दोनों को सर्कल से मार्क कर दिया। जेड इज दी मदर ऑफ क्यू, जेड मदर है क्यू की, अगर जेड क्यू की मदर है तो सी की भी मदर होंगी। एंड पी इज दी सन ऑफ जेड, पी क्या है, जेड का सन, ये दोनों सिस्टर्स आई तो एक और सन आएगा यहां पर जिसका नाम है पी। अब यहां पर ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट आप यहां पे एक एक करके चेक करते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, पहला पी एंड ए आर कजन्स, पी और ए कजन्स हैं, क्या आपको पी और ए कजन्स लग रहे हैं? इनफैक्ट यहां पर ए तो पी के लिए क्या लगेगा, भतीजा, क्यों, इसकी बहन किया, बहन का बेटा है, ठीक है, इसके बहन का बेटा है तो यहाँ पर ये इसके लिए नेफ्यू लगेगा, जबकि पी ए के लिए क्या लगेंगे, पी ए के लिए इसके अंकल लगेंगे, ठीक। अंकल भी कौन से, माँ की तरफ वाले अंकल है तो मैटर्नल अंकल है यहाँ पे, अगर डिटेल में पूछा जाए। फर्स्ट लाइन इज नॉट राइट, ठीक है। सेकंड देखो, पी इज दी मैटर्नल अंकल ऑफ ए, पी क्या है, मैटर्नल अंकल ऑफ ए, क्या ऐसा है जो मैंने अभी आपको बताया मैटर्नल अंकल ऑफ ए के बारे में, क्या पी मैटर्नल अंकल ऑफ ए है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। एक बार हम आप तसल्ली के लिए बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। क्यू इज दी मैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ए, क्यू ए की मैटर्नल ग्रैंडफादर है, बिल्कुल भी नहीं, देखो यहाँ पर है मैटर्नल ग्रैंडफादर, बिल्कुल भी नहीं। सी एंड पी आर सिस्टर्स की, सी और पी सिस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है, सी और पी भाई बहन है, क्योंकि पी मेल है सी फीमेल है, तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर्स आएंगे, लेकिन ब्रदर सिस्टर आएंगे लेकिन सिस्टर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर बाकी सब स्टेटमेंट्स रॉन्ग हुई, द ओनली स्टेटमेंट राइट इज ऑप्शन बी, ठीक है, पी इज दी मैटर्नल अंकल ऑफ ए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है मैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल, मैटर्नल ऑन्ट, पैटर्नल ऑन्ट, इसमें अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार टाइम निकाल के मेरी ब्लड रिलेशन की फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरा फैमिली ट्री कंसेप्ट बताया है, आपको वो एक बार सीखना ही पड़ेगा अगर आपको ये सब की सब कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, वरना ऐसी छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे कई लोग डॉटर इन लॉ भी टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए गर्ल वाला, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए गर्ल, चलो क्या करते हैं कि होमवर्क के लिए नहीं देते हैं, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए अभिषेक क्या बोलता है, बोल कौन रहा है, अभिषेक। तो मैंने आपको सबसे पहला रूल यहाँ पर ये बताया है, जो बोलता है जब वो माई का यूज करता है वहां से उसका रिलेशन स्टार्ट करते हैं। अभिषेक बोल रहा है तो अभिषेक यहाँ पर ए, ठीक है। लेकिन रूल नंबर फर्स्ट से भी पहले अगर बात की जाए, मैं अपने से कभी भी अज्यूम नहीं करूंगा कि अभिषेक मेल है कि फीमेल, मैं अपने से कभी भी अज्यूम नहीं करूंगा कि अभिषेक मेल है कि फीमेल, जब तक क्वेश्चन पर्टिकुलरली मेंशन या रेफर नहीं करता। यहाँ पे कहीं पढ़ो, अगर कहीं रेफर किया गया हो डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, वट इज़ द रिलेशन ऑफ अभिषेक्स वाइफ, यानी कि अभिषेक मेल है, ठीक। यहाँ पर मैंने अभिषेक को, आपको ये छोटी छोटी बातें लग रही होंगी दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफ़ी गलत होते हैं, खुद से रिलेशन किसी भी नाम पर आप नहीं बनाओगे अनटिल क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है। अब रिलेशन बनाओ, कहाँ से स्टार्ट होगा, माई फादर से, अभिषेक के फादर, अभिषेक के फादर। पीछे थोड़ा आएंगे हम, ओनली चाइल्ड, अभिषेक के फादर के ओनली चाइल्ड, यानी कि खुद अभिषेक, खुद अभिषेक, डॉटर, डॉटर ऑफ दी ओनली चाइल्ड, यानी कि अभिषेक की डॉटर, ठीक है, अभिषेक की डॉटर। दिस गर्ल, ये लड़की कौन है, इज दी डॉटर ऑफ दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। अभिषेक क्या बोलता है, जो ये लड़की है ये कौन है, ये लड़की मेरे फादर के ओनली चाइल्ड, यानी कि मेरी बेटी है, दी डॉटर ऑफ दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, ठीक है, अभिषेक की बेटी है।
वट इज़ द रिलेशन ऑफ अभिषेक्स वाइफ, अभिषेक की अगर वाइफ है उनका रिलेशन इस लड़की के साथ क्या है? किसका रिलेशन पूछा जा रहा है दोस्तों, किसका रिलेशन पूछा जा रहा है? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर रिलेशन पूछा जा रहा है अभिषेक की वाइफ का उस लड़की के साथ, ना कि इस लड़की का अभिषेक की वाइफ के साथ। तो अभिषेक की वाइफ का इस लड़की के साथ क्या रिलेशन होगा? अभिषेक की वाइफ इसकी मदर लगेंगी, ठीक। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, अभिषेक की वाइफ का इस लड़की के साथ क्या रिलेशन है? अभिषेक की वाइफ इस लड़की की मदर लगेंगी। अगर ऐसा पूछा होता व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट गर्ल टू अभिषेक्स वाइफ, अभिषेक की यानी कि उस लड़की का अभिषेक की वाइफ के साथ क्या रिलेशन होता, तो ये लड़की अभिषेक की वाइफ की डॉटर लगती, ठीक है। लेकिन हमसे कैसे पूछा जा रहा है अभिषेक की वाइफ उस लड़की के साथ क्या रिलेशन बनाएंगी, तो ये होगी मदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर, ओके। तो इस तरह दोस्तों हमारा ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट होता है। टोटल हमने 4 पार्ट्स में ब्लड रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट किया है। हर एक पार्ट में हमने लगभग 5-5 क्वेश्चंस हर एक पार्ट में किए हैं, फर्स्ट पार्ट को छोड़कर हमने, क्योंकि वहाँ पर ट्री कंसेप्ट सीखा था, पूरा फैमिली ट्री कंसेप्ट सीखा था, और लगभग पूरे 15 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें निकाल दिए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन उसी कंसेप्ट में ही पूछे जाते हैं। अगर लेवल ऊपर गया तो आपको एक पूरा पज़ल ड्रा करने के लिए आ जाएगा ब्लड रिलेशन पर, और उसी पर ही 4-5 या 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, जो बिल्कुल सिमिलर होता है दोस्तों। कुछ इस तरह से कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपको इस तरह से भी कोई एक रिलेशन ड्रा करने को बोल दिया जाएगा, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन अगर आपको ब्लड रिलेशन से आता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक हमारी तरफ से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके आपका मैथ्स एंड रीजनिंग हम कंप्लीट कर दें। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, एंड मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग या मैथ्स के साथ।